दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपका कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो कि एमबी में है और उन्हें आप कुछ खास जरूरत के कारण केबी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि लो क्वालिटी में, कम क्वालिटी में आप चाहते हैं कि वो जो एमबी वाले डॉक्यूमेंट हैं उन्हें जो है हम केबी में कन्वर्ट कर लें, तो किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से कन्वर्ट कर पाएंगे दोस्तों, पूरे जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट का मैं साइज कम करने वाला हूं, कम करने से पहले मैं आपको उनका डिटेल दिखा देना चाहता हूं। तो उनके लिए सिंपली फाइल मैनेजर पर इस तरह से क्लिक करेंगे। फाइल मैनेजर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम सिंपली ये जो है डॉक्यूमेंट फाइल में रखे हैं, तो डॉक्यूमेंट में जैसे आ गए तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से बिहार स्टेट प्रोफाइल है, तो इनको जो है हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और मोर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से डिटेल्स आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों कि 1.32 MB का है, यानी कि दोस्तों 1 MB 320 KB का है। तो अब चलिए दोस्तों मैं इनको जो है कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से इनको केबी में कन्वर्ट कर पाएंगे। दोस्तों पीडीएफ का साइज कम करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, pdf2go.com। इस वेबसाइट पे आने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही आ जाते हैं दोस्तों तो आपको सिंपली इस तरह से नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखिएगा, चूज फाइल लिखा है तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी जानकारी यहाँ पे दे देना चाहूँगा। वैसे अगर आपका डाटा जो पर्सनल हो, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट इत्यादि, इस तरह का अगर आपका कोई भी डाटा है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि इस वेबसाइट की मदद से ना करें, लेकिन अगर आप करते हैं तो सावधानीपूर्वक जो है सो कन्वर्ट इस वेबसाइट से करें पर्सनल डाटा। उनके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, चूज फाइल पर इस तरह से क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम जो है सो फाइल मैनेजर में चले जाते हैं। फाइल मैनेजर में आने के बाद दोस्तों देखिए मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट फोल्डर में आते हैं। डॉक्यूमेंट फोल्डर में आने के बाद दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बिहार स्टेट प्रोफाइल इस तरह से हमने सेलेक्ट किया और ओके पे इस तरह से क्लिक कर देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ सेकंड जो है सो वेट करना है, क्योंकि ये जो है सो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से जो है सो ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। उनके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह से नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ से सबसे लास्ट वाले जो 3 नंबर में शो हो रहे हैं चूज फ्रॉम ए पेरेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फर्स्ट नंबर में जो दिया हुआ है कि 20 DPI इमेज, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट किया जा रहा है, तो कुछ सेकेंड आप वेट कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो है सो ये डॉक्यूमेंट 1.26 MB का था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हें काट दिया गया और 6.90 KB में ये कन्वर्ट करके हमें ये डॉक्यूमेंट दिए हैं। अब डाउनलोड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, डाउनलोड पे जो है सो क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट से ये डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये डाउनलोड के लिए पूछा जा रहा है, तो डाउनलोड पर फिर से हम क्लिक करेंगे और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है सो मेरा कन्वर्ट होकर रेडी हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप इस डॉक्यूमेंट का या पीडीएफ कोई भी डॉक्यूमेंट ज़्यादा एमबी में तो उन्हें जो है आप कम केबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान दें दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट जितने भी ज़्यादा एमबी का होगा उतना ही दोस्तों ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि अपलोडिंग में भी समय लगेगा दोस्तों और कन्वर्ट होने में भी समय लगेगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट को आप जो है सो केबी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।